class, we have discussed about the covalent compounds. What are the properties of the covalent compounds? The polar and non-polar covalent compounds. Okay. And what may be the conditions, okay, for formation of covalent compounds? Like it is taking place, covalent compounds is taking place in the समय. कैन यू आंसर कोवेलेंट कंपाउंड्स मेटल्स में ज्यादा बनता है कि नॉन मेटल्स में ज्यादा बनता है? सर नॉन मेटल. गुड. इसके बाद जो है प्रियतोष, आप बताइए कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है किस एलिमेंट्स में ज्यादा इजीली फॉर्म करता है, जिसमें कि आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है या लो है? लो. जिसमें ओके, लो आयोनाइजेशन एनर्जी इज फॉर्मिंग द कोवेलेंट. ओके, सो हाउ यू आर सपोर्टिंग योर आंसर? अगर लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब है कम एनर्जी के साथ वो एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, यही मतलब हुआ ना आयोनाइजेशन एनर्जी का? आयोनाइजेशन यानी इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस? लॉस. ओके, सो जो एलिमेंट बहुत कम एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, क्या वो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा कि आयोनिक फॉर्म करेगा? आयोनिक है ना. ठीक है, तो इमिडिएटली माइंड कैसे काम करना चाहिए? ऐसे आयोनिक, आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आयोन का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा. कम आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कम एनर्जी के साथ आयन फॉर्म हो जाएगा. कम एनर्जी के साथ अगर आयन फॉर्म हो गया तो आयोनिक कंपाउंड बना देगा. ओके, इन दैट वे यू हैव टू थिंक. चलिए नेक्स्ट, आयुष आप बोलिए कि जिन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं है वो किस टाइप का कंपाउंड बनाएंगे? कोवेलेंट बनाएंगे. ठीक है. प्रिंस यू टेल दैट इफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एटम्स इज हाई, विच टाइप ऑफ कंपाउंड इट विल फॉर्म? पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताइए, इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस? आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या बोले अभी अभी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. आयोनाइजेशन एनर्जी, इन आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट और गेन्ड? सर माइक काम नहीं कर रहा था, हेडफोन कनेक्ट कर रहा था. इन आयोनाइजेशन एनर्जी हाँ सर, इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड और लॉस्ट? Sir, it is in ionization energy, electron is gained. Is? Gained. देखिए कुछ कुछ चीज ऐसा है जिसमें कि कंफ्यूजन आ सकता है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन टर्म्स जिसमें कि या तो सिक्का का एक भाग होगा या दूसरा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा लॉस का, ऐसे में आप बहुत ध्यान दीजिए, ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जाम में. ठीक है, आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान देना. एग्जामिनर का ये सब फेवरेट क्वेश्चन होता है कि जहाँ पे बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज हो जाए, इस टाइप की चीजों में बड़ा मजा आता है क्वेश्चन फ्रेम करने में. ठीक है, इन चीजों पर आपको ध्यान देना है. आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी वाले में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो रहा है. ओके, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है. ठीक है, अब ये बोलती है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो है इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो जो भी एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होगी, यानी क्या मतलब हुआ? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट. हाँ, पूरा खत्म करो.
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इज मोर. यू रिवाइज वेल, ओके प्रिंस, दिस टू थिंग्स यू रिवाइज वेल. यू सी इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन एंड इट विल रिलीज द एनर्जी. तो जब हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है कि कम एनर्जी रिलीज कर रहा है? ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है. उसको एफिनिटी ज्यादा है, वो जब इलेक्ट्रॉन को पा गया बहुत खुश हो गया, ज्यादा एनर्जी उसने रिलीज कर, ठीक है. तो जिनमें हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो क्या कोवेलेंट बनाएंगे कंपाउंड या आयोनिक बनाएंगे? ठीक है. आई थिंक व्हाट यू डू इज, देखिए है तो सीधा सीधा, लेकिन आप लोग जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी ये और जो है क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए. ओके, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यू रिवाइज प्रॉपरली. इन नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस वन, ओरली आई विल आस्क. ओके, विद कॉन्फिडेंस यू हैव टू आंसर. चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट पेज नंबर 28 में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स. ओके, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक दे इंक्लूड द हाइड्रोजन, ओके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन, ओके एंड देन वी हैव द नाइट्रोजन, ओके देन वी हैव कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन, वाटर, अमोनिया. ओके, आयुष वन आप बोलिए, हाइड्रोजन ये पोलार कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा कि कोवेलेंट नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? आयुष वन आप कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट, पोलार एंड नॉन पोलार कोवेलेंट आप जो है उसको रिवाइज किए? आयुष्मान यू आर गेटिंग माय वॉइस, आयुष आवाज आ रही है? माइक प्रॉब्लम हो रहा है. ओके, ओके आई विल आस्क लेटर. ओके, यू प्रिपेयर एंड कीप. ओके आयुष टू आप बोलिए, ये जो क्लोरीन है Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसमें जो है पोलार या नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा? आयुष टू
आयुष टू, आर यू गेटिंग माई वॉइस? क्या बात है भैया, आज जो है सबका माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा। चलिए देन, समय आप बताना चाहेंगे? सर नॉर्थ पोलर। नॉन पोलार बनाएगा, वेरी गुड। क्यों नॉन पोलार बनाएगा? सर क्योंकि उसका जो लीनियर सिमेट्रिकल शेप है वो दो ही क्लोरीन एटम्स को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल और सर हम बोले रह सकता है। यहाँ पे सिमेट्री का काम नहीं है। हाँ प्रिंस बोलो। सर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहता है इसीलिए। यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है वेदर यू आर टेकिंग H2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी दो एटम हाइड्रोजन के ही आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ तीन बॉन्ड बनता है। तो जहाँ पर भी सेम एटम अपने ही एटम के साथ दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, देखिए जो भी आप आंसर देंगे आंसर्स में आपको जो टेक्निकल टर्म है वो यूज करना है। इफ यू डोंट यूज दिस टेक्निकल टर्म यू विल नॉट गेट द मार्क्स। सो हियर हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स। बोथ दीज एटम्स आर द सेम, दे हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा देन इट विल मेक द नॉन पोलर कोवालेंट बॉन्ड। ठीक है, सिमेट्री आप बात कर रहे थे, सिमेट्री CCl4 में आता है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड में सिमेट्री का आता है, मीथेन में सिमेट्री का आता है। कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है लेकिन तब भी सिमेट्री है। चलिए ये दोनों फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, पिछले क्लास में भी मैंने बताया। ये दोनों जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड और मीथेन दोनों ही पोलार कोवलेंट या नॉन पोलार कोवलेंट? आयुष टू बताइए। क्या बात है आयुष, आज जो है माइक आपका आवाज आ रही है नहीं आ रही है आयुष टू? देखिए प्रीवियस क्लास का एकदम रिवाइज कीजिए, नहीं तो अगले क्लास में आपको बहुत दिक्कत आपको लगेगा कि मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट दोनों ही कम हो जाएगा। ठीक है, एकदम आपको ध्यान देना है। सर प्रीवियस क्लास में सर आप ऑक्सीजन का बताए थे कि नेगेटिविटी चार्ज हाफ रहता है, पार्शियल नेगेटिविटी रहता है। हाफ नहीं, हाफ और पार्शियल में बहुत फर्क होता है। हाँ बोलिए। हाँ सर, तो सर उसमें कुछ कुछ टर्म्स था जैसे डेल्टा, वो सारा सर उसके पहले वाला लास्ट क्लास में पढ़ाए थे सर, सर शायद हम मिस कर गया, इतने पिछला क्लास दिमाग के ऊपर से चला गया। देखिए यही बात है केमिस्ट्री में जो पर्टिकुलरली जो स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं, ठीक है, ये वाला ये सब बेस है, ये सब चैप्टर्स आपके जो है ना फंडामेंटल बेस है, इसमें आप एक भी जब क्लास मिस करेंगे तो आपके लिए केमिस्ट्री ना एकदम लगेगा कि बहुत बोझ वाला सब्जेक्ट लगेगा, आपको लगेगा बाप रे ये क्या सब्जेक्ट है यार, बहुत परेशान हो जाता हूँ। और सर अचानक अभी देख रहे तो सर देख रहे बहुत सारा चीज हवा में जा रहा है। हाँ अब आप देखिए ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 है, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और आपने अगर एक भी क्लास स्टार्टिंग में मिस किया, एक भी क्लास स्टार्टिंग में मिस किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपका जो जिंदगी है वो पूरा आपका जो है ना आप परेशान हो जाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ मैं इसके पहले भी बहुत बार रिपीट कर सकता हूँ कि यू हैव टू बी सीरियस, ओके, यू हैव टू बी सीरियस, डोंट मिस द क्लासेस इन केमिस्ट्री। बायोलॉजी में ये मैंने बताया है, बायोलॉजी में भी क्या है स्टार्टिंग के दो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें भी आप मिस करोगे अगला क्लास जेनेटिक्स नहीं समझ में आएगा। उसके बाद क्या होता है ना, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से बहुत लिंक्ड नहीं है, एक चैप्टर एक अलग कॉन्सेप्ट है, दूसरा चैप्टर दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो बायोलॉजी में एक चैप्टर दूसरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो फिर भी आपका थोड़ा मैनेज हो जाएगा।
केमिस्ट्री में वैसा नहीं हो सकता है, इस चीज को आप एकदम ध्यान दीजिए। चलिए अब ये जो CCl4 और मीथेन है, सर, यस सर, लास्ट केमिस्ट्री का जो रिकॉर्डेड लेक्चर मिला था वो केमिस्ट्री का चैप्टर वन का जो एंड क्वेश्चंस करवाए थे वो था। उसके बाद फिर चैप्टर टू का स्टार्टिंग की, उसके बाद से केमिस्ट्री का शायद रिकॉर्डेड लेक्चर मिला नहीं, जो क्लास मिस किए थे वो भी मिस हो जाएगा फिर, मेरा समझ कैसे आएगा। हाँ देखिए, बीच में जो है ना एक दो क्लास ऐसा था जो कि रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, तो इसके पहले वाला कल का क्लास का रिकॉर्डिंग का तो जरूरत नहीं है आप लोगों को। हाँ सर, कल वाला तो हाँ आपसे पढ़ लिए थे, लेकिन उसके पहले एक जहाँ आप ऑक्सीजन का हाफ बताए थे डेल्टा वगैरह, वो सारा तो सर मिस हो गया। हाँ वो उस दिन ऑक्सीजन क्या डेल्टा कौन वाला तुम बता रहे हो? ऑक्सीजन डेल्टा सर आप कल बता रहे थे कि ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिविटी आ जाता है, तो वो सारा एक दिन पहले पढ़ाए होंगे ना केमिस्ट्री का, तो वो तो रह गया। ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव आता है, हाँ ये वाटर का स्ट्रक्चर में, पोलर कोवलेंट बॉन्ड वाटर के स्ट्रक्चर में ना। हाँ सर, तो सर मतलब चैप्टर टू जो स्टार्ट किए थे वो वाला लेक्चर तो नहीं था, तो वो वाला समझ नहीं आ रहा। हाँ देखिए, ये आप उस दिन मिस किए थे, आपको बहुत परेशानी होगी, वो वाला लेक्चर तो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था, है ना। देखिए यही दिक्कत होती है, हर एक क्लास केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं इसके और जब समझो कि 6-7 बच्चे हैं, एक बच्चा अटेंड नहीं करता है, आपको ये भी पता है कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि उस बच्चे को फिर आप बैठा के वो पूरा चीज़ बोले, दैट संभव नहीं है। कम से कम ये होता है कि ऑनलाइन में रिकॉर्ड कर लेते हैं क्लास को, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन अब कभी कभी होता है कि वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है या मेरा सॉफ्टवेयर गड़बड़ा गया, कुछ भी कारण से नहीं उस दिन रिकॉर्ड हुआ, या हम भूल ही गए, मतलब क्लास शुरू कर दिया भूल गए रिकॉर्ड करना, तो लॉस आपका हो सकता है इसमें। इसीलिए देखिए, कोशिश कीजिए केमिस्ट्री में तो एकदम मत, डोंट मिस द क्लास। चलिए अब CCl4 और मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मीथेन, ये दोनों किस टाइप के कोवलेंट कंपाउंड हैं, पोलार नॉन पोलार? सर पोलार है। प्रिंस सर क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.4 और ये मतलब 0.4 नहीं, मतलब जो डिफरेंस रहता है 0.4 और 0.5 तो सब ठीक है, लेकिन तुम जो सब कहानी है कल का क्लास तुम रिवाइज नहीं कियो, इसीलिए तुम जो है, जबकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमने बार बार स्ट्रेस करके 5-5 स्टार बना के बताया कि कार्बन पे चारों तरफ जब हाइड्रोजन है या कार्बन के चारों तरफ जब क्लोरीन है, तो कार्बन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अच्छा फर्क है, लेकिन सिमेट्री होने के कारण क्या होता है कि इसमें पोलार नेचर नहीं बनता है, ये नॉन पोलार, ये दोनों ही नॉन पोलार कोवलेंट है। गॉट इट? There is electronegativity difference between carbon and chlorine, so you will think that it is going to form polar covalent, but because there is a symmetry in the molecule, because of that one what is going to happen, polar charge नहीं बनता है, ये non-polar ही रहेगा। यही तो point है जो कि हम बार बार stress कर रहे हैं, आप लोग अभी भी confused हो रहे हो, यही ध्यान दीजिए ये सब point पे। Okay, चलिए water, water is polar non-polar? प्रियतोष बताओ, प्रियतोष कट हो गया। ओके आयुष्वान, माइक आपका काम कर रहा है आयुष्वान? सर HPL में क्या बनेगा, पोलार या नॉन पोलार? वन मिनट है आयुष टू। सर यस सर, सर इट इज पोलार। यस सर पोलार, पोलार कोवलेंट, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से हैं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है इसमें वैसा सिमेट्री नहीं है, इसी के कारण क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ये पोलार कोवलेंट। अमोनिया इज एग्जाम्पल,
पोलर और नॉन पोलर? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन, पोलार बनना। हाँ पोलार बनेगा, क्योंकि ऐसे तीन इधर आ जाता है तो इसमें जो है पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस सब में पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, सो ये भी पोलार। ओके एग्जांपल्स को जो है आप बाकी सब एग्जांपल्स आप आसानी से कर लोगे। देखिए ये जो सेट है ना H2Cl2N2, इसमें तो सेम एटम है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, सेम एटम्स आर देयर, देयरफॉर देयर इज नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयरफॉर देयर इज नॉन पोलार, कोई चार्ज नहीं बनेगा इनके ऊपर, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ये एक सर, सिमेट्री का मतलब होता है कि सर चार बॉन्ड बनता है? नहीं, सिमेट्री का मतलब होता है सिमेट्रिकल, जैसे हम लोग का बॉडी जो है वो क्या टाइप का सिमेट्री है, बाईलैटरल सिमेट्री, बाईलैटरल यानी आधा सीधा, शरीर को एकदम सीधा ऊपर से नीचे आधा काट दो, लेफ्ट और राइट बराबर रहेगा, दैट इज कॉल्ड बाईलैटरल सिमेट्री। इन द केस ऑफ कार्बन इट इज हैविंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके सो उसका जब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर आप देखोगे तो उसमें वो सिमेट्री आ रहा है, वो सिमेट्री के कारण क्या होता है कि जो ओवरऑल ये जो इलेक्ट्रॉन पुल वगैरह का जो भी सिचुएशन बन रहा है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देता है और चार्ज नहीं बनता है इसके ऊपर। तो यही पॉइंट है जो कि ये जो सेकंड सेट ऑफ एग्जांपल्स है, क्लोरीन और सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड और मीथेन, ये दोनों नॉन पोलार हैं, और ये जो थर्ड सेट है ये है आपका पोलार, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी है और कोई सिमेट्री नहीं है मॉलिक्यूल्स में। ओके सर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CCl4 में सर, CCl4 में सर 0.5 का होता है और HCl में 0.4 का होता है, तो सर ज्यादा डिफरेंस तो नहीं रहता है आपको? Okay, these things we discussed in yesterday's class, no? Again, we will not repeat now. Right? You understood this one. Again, and yesterday we have clearly discussed this one. Today, we have to do the structure, that is the electron dot structure and how this compound is formed. Okay, you revise yesterday's class. If required, I will upload the yesterday's video. You watch that video again. And you revise these three terms, ionization energy, electron affinity and electronegativity. Tomorrow I will ask. Okay, you, without confusion you have to answer. Okay, next. If we have to draw the structure of the, क्योंकि हमने ionic का बनाया electron dot structure, hydrogen is atomic number, electronic configuration, अब इसका आप जो है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिखाएंगे। तो हाइड्रोजन पे एक डॉट बनाएं, दूसरा हाइड्रोजन है इस पे भी एक डॉट बनाएं, ठीक है। अब ये दोनों जब कंबाइन होगा तो दे आर गोइंग टू शेयर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वन पेयर यानी दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर किए, इससे क्या हो गया हाइड्रोजन, दोनों ही हाइड्रोजन्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो हो गया। ओके जो कि हीलियम स्टेबल के साथ मैच कर रहा है, ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन बन गया, ये स्टेबल हो गया, ठीक है। अब क्योंकि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ओके सिंगल बॉन्ड आप दिखाओगे क्योंकि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। ओके दिस इज नथिंग बट H2 हाइड्रोजन। ओके दिस इज ए सिंपल वन एग्जाम्पल, क्लोरीन आप बनाइए अपने बुक में, क्लोरीन का बनाइए Cl2 फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। सबसे पहले एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 7। अब जो है इसका बनाइए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, 7 इलेक्ट्रॉन्स।
दो क्लोरीन्स हैं, दो क्लोरीन एटम्स आपस में शेयर करेंगे अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ओके वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स ऑफ क्लोरीन। हाँ टेल मी। सेम यही जो आप बनाए वही बनाए। करेक्ट। ओके गुड। सो दिस वंस आर इजी। ओके जो कि सेम सेम एटम का बन रहा है आसान। अब सेकंड, अब नेक्स्ट जो है आप बनाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो CCCCl4। हाँ कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। Okay, anyone has already made, you can show what you have made. किसी ने ऑलरेडी बना लिया? एनीवन हैज मेड? यस सर। शो में शो लैपटॉप पे शेयर होता है ना? नहीं शेयर होता है लैपटॉप में? सर शेयरिंग तो होगा सर, पर आओगी ना भी प्रेजेंट में तो ऐसा है तो। अच्छा लैपटॉप तो फोटो जो भी है ड्राइंग तो तुमने बुक में बनाया ना? हाँ सर कॉपी में तो बनाया बनाया ना, वो अपना मोबाइल से भेज दो, अपने ये व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो। सर
मोबाइल पास ही नहीं है अभी. ओके सो बट व्हाट यू हैव डन आई हैव द सेम सर. ओके यू इन योर लैपटॉप वेबकैम इज देयर? हां सर. हां उसी में दिखा दो. थोड़ा थोड़ा पास रखो, पास रखो. हाँ ओके ठीक है. हाँ ओके हाँ ओके ओके इट इज ओके. और कोई बनाया सर? बट हम जो बीच में सी है सर उसमें कुछ नहीं बनाए सर. मतलब तो ये जो C आएगा बीच में सर. हाँ. तो मतलब कार्बन एटम उसमें कुछ नहीं ड्रॉप किए. नहीं समझे इसका तुम क्या बोल रहे हो, दिखाओ सर. हाँ अच्छा, उसका जो है क्रॉस और डॉट दोनों ये तुमने नहीं दिखाया, ये बोल रहे हो क्या? यस सर. ओके सो आफ्टर द आफ्टर द इन द प्रोडक्ट, इन द प्रोडक्ट हम लोग को दिखाना है कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन पे है जो कि हम लोग ऐसे क्रॉस करके दिखा रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन से आया, ये एक पेयर बना. ठीक है, यही पेयर शेयर हो रहा है ये एक क्लोरीन एटम और इस कार्बन के बीच में. ओके, बिटवीन दिस क्लोरीन एटम एंड दिस कार्बन, सिमिलरली दिस इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन एंड दिस फ्रॉम क्लोरीन इज बीइंग शेयर्ड. तो इस तरीके से जो है एक एक पेयर के इलेक्ट्रॉन्स जो है हम लोग यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करके दिखा रहे हैं. तो आप यहाँ पे दिखाएंगे. ओके, शो शो दैट देर इज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन एंड वन इलेक्ट्रॉन इज बीइंग शेयर्ड बाई द क्लोरीन एटम. सो देर फोर दिस वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर दैट यू हैव टू शो. चलिए, सो ऑल ऑफ यू हैव मेड दैट वन. सर हम दिखाएं? हाँ दिखाइए. Okay, so all of you can start making the methane. CH4 methane. आपका जो है समय वो दिख नहीं रहा है, कुछ आइकॉन आ रहा है केवल. कैमरा चल नहीं रहा है. अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए. आप मीथेन बनाइए, सब लोग मीथेन का बनाइए. टेक्स्ट बुक में आपका बना हुआ है, पहले अपने से बिना देखे बनाइए, उसके बाद उसमें चेक कीजिए. ओके, मीथेन CH4. तो हर टाइम आपको क्या करना है, कार्बन एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन 1 1. सो इससे आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का पता चलता है. आपको केवल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन दिखाना है कार्बन में. इस तरीके से हम लोग एक एक डॉट चारों तरफ देते हैं क्योंकि चार बॉन्ड बनाएगा. उसके बाद चार हाइड्रोजन्स हैं. ओके, तो इधर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन का फॉर एग्जांपल हम क्रॉस लगा दिए. ठीक है, प्लस हाइड्रोजन. तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हुआ.
so we can represent any one of them, no sir. Means this only one hydrogen you are telling? No sir, मतलब ये सर आप ये दो वो बनाए ना सर, एक में डॉट डॉट बना के दिखा और एक में लाइन बना के दिखा। अच्छा ये वाला, ये बोल रहे हो क्या, ये वाला डॉट डॉट और उसके बाद ये लाइन? हाँ yes, तो इसमें से जो है आपका डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। yes, sir, you said question will be specific. हाँ हाँ, अगर क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में दिखाइए तो ये बनाइएगा, और अगर वो मेंशन नहीं किया है तब दोनों बना दीजिए, ये भी बना दीजिए, ये भी बना दीजिए। हाँ दोनों बनाइएगा तब। सर बना दिए। बना दिए, ओके। ओके, सो दिस इज द पोलार और नॉन पोलार? सर नॉन पोलार। नॉन पोलार, चलिए अब नेक्स्ट जो है वाटर और अमोनिया। वाटर ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 6। ओके, हाइड्रोजन 1। तो ऑक्सीजन में 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन बनाएंगे और इसमें क्या दो हाइड्रोजन्स के साथ इसको बॉन्ड करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना दिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बना दिए और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बना दिए। उसके बाद जो है ऑक्सीजन इधर ऊपर आ गया और वन टू थ्री फोर हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन का और इसका, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन का एक ये और एक ये, सो दैट इज नथिंग बट ऑक्सीजन इज बाउंड टू द टू हाइड्रोजन एटम्स H2O। मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज 7, ओके 2 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन है 1 2 5, हाँ कितने 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3, सो 3 प्लस 2 5, 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द नाइट्रोजन and it is reacting with the 3 hydrogens. So, nitrogen so both this oxygen both this water and ammonia are sir polar covalent compounds, ठीक है। ये इसमें आपको बहुत डिफिकल्टी नहीं होगा, प्रैक्टिस कीजिए। सर कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ट्राई कीजिए, बनाइए CO2। वही बना CO2, कार्बन एटॉमिक नंबर 8, sorry, 6, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन 6 2 4, ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन 8 2 6,
तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में चार हैं और इसको बॉन्ड करना क्या है, ऑक्सीजन को बॉन्ड करना है, दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो ये देखो सर, एक क्वेश्चन था मेरा सर। हाँ सर, क्वेश्चन ये था सर, जैसे कि वाटर का फॉर्मेशन होता है तो सर ऑक्सीजन को सेंटर में लेके हाइड्रोजन को चारों तरफ दिखाते हैं, और जब कार्बन मीथेन का फॉर्मेशन होता है तो सर कार्बन को बीच में रखते हैं और हाइड्रोजन को चारों तरफ दिखाते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों साथ में रहेगा तो फिर हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि किसको बीच में रखना? ऑक्सीजन और सर कार्बन। हाँ ऑक्सीजन और कार्बन। हाँ तो ऑक्सीजन और कार्बन दोनों एक साथ है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो कौन सेंटर में रहेगा, दैट इज योर क्वेश्चन। हाँ सर, मतलब हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि किसको सेंटर में रखें, या फिर सर सेंटर में कार्बन ही क्यों रखेंगे? नहीं, डिसाइड करने की जरूरत नहीं है ना, आप बनाओगे अपने से वही बनेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं, बनेगा वही। आप देखिए, पहले आपको करना क्या है, कार्बन जिसमें कि चार वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो दो ऑक्सीजन एटम्स के साथ बॉन्ड करेगा जिसमें कि सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, नाउ यू सी ऑक्सीजन इज देयर हैविंग सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसको स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है और इसको चार की आवश्यकता है। ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में से चाहिए, ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में चाहिए, और कार्बन को कितना चाहिए, चार चाहिए। करेक्ट है क्या? एक ऑक्सीजन एटम को दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए, ये पॉइंट करेक्ट है कि नहीं? Yes, ऑक्टेट कैसे आएगा, अभी सिक्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स और मिलेगा तब ना जाके सिक्स प्लस टू इज इक्वल टू एट होगा। उसी तरीके से कार्बन में वैलेंसी में चार हैं, चार और इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट आने के लिए। ठीक, एटम्स कितने हैं ऑक्सीजन के, दो हैं। ठीक है, तब यहाँ पे जो है आपका गिनती क्या हो जाता है, ये टू टू इंटू टू दैट इज फोर इलेक्ट्रॉन्स, टू प्लस टू फोर इलेक्ट्रॉन्स आपको मिले, आपको ऑक्सीजन की तरफ से शेयरिंग होगा। तो अब आप क्या करोगे, ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं और इट इज टू सिक्स 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 इलेक्ट्रॉन्स, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स में उसको क्या करना है, दो इलेक्ट्रॉन्स उसको एक्सेप्ट करना है, इट वांट टू एक्सेप्ट। सो इन द सेंटर लेट अस मेक द कार्बन। ओके, ट्रेडिशनली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर शोइंग लाइक दिस फोर, नो फोर इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस तरीके से फोर हम लोग अगर बनाएंगे तो फोर, तो यहाँ पे फोर एटम्स तो नहीं है, जैसे कि मीथेन में फोर एटम्स है, यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे तो दो ही एटम है। करेक्ट, तो आप क्या करोगे, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड में शेयरिंग होता है। तो कार्बन में इस तरीके से है, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितना है, सिक्स, सो यू हैव हाउ मेनी इट वांट टू शेयर, हाउ इट वांट टू शेयर, वन टू, ओके ट्राई योर सेल्फ, मेक कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जो रिप्रेजेंटेशन आप अपना आप बनाइए, आप अपना ट्राई कीजिए रिप्रेजेंटेशन। हाँ दिखाओ, आयुष दिखाओ, looks
सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर देर ऑन ऑक्सीजन और कार्बन पे चार आपने बनाया, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कार्बन के जो हैं शेयरिंग आपने कैसे दिखाया प्रोडक्ट का, एक दो तीन चार पाँच छः, छः इलेक्ट्रॉन तो आपने बनाया ऑक्सीजन का और शेयरिंग आपने दिखाया हाँ कार्बन के ऐसे। तो अब आप बोलिए कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है इनके बीच में जो है कितना कितना ये बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, डबल दो दो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा क्यों? दो दो जगह हाँ दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर हो रहा है, शेयर हो रहा है, ठीक है। सो इज इट राइट? हाँ यू सी, सो इंस्टेड ऑफ ड्राइंग दिस साइड ये एक पैर शेयर हुआ और ये एक पैर शेयर हुआ, ओके। यहाँ पे भी ये एक पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, ये एक पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर हम लोग क्या करते हैं, मैंने सबको डॉट ही मार दिया, इसको आप क्रॉस कर दीजिए आसानी होगा, ठीक है। तो ये एक शेयरिंग हुआ, ये दूसरा शेयरिंग हुआ तो अब कितने बॉन्ड कितने बॉन्ड बनेंगे कार्बन, हाँ देर आर द लाइक दिस। सर एग्जाम में भी ऐसे सर्कल लगा सकते हैं ना एक्स और डॉट में, ये जो डॉटेड लाइन बनाया, हाँ सर मतलब डॉट लाइन पे सर्कल जो बनाया एक्स और ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड में, सर क्योंकि जब सर क्योंकि जब हेलो हाँ हेलो हाँ सर हाँ गुड इवनिंग 7B हाँ 9B हाँ यस क्या ओके लेट अस डू वन थिंग नो जस्ट आई एम लिटिल बिट कैन यू मैसेज मी ओके यू कैन मैसेज मी और यू कैन कॉल आफ्टर 10-15 मिनट्स आई मीन बिटवीन सम हाँ यू कैन मैसेज हाँ यू मैसेज दैट वन हाँ ओके थैंक हाँ तो इसमें आप क्या कीजिए हाँ योर क्वेश्चन इज दैट ऐसे मैंने जो डॉटेड डॉटेड बनाया उसके लिए आपका क्वेश्चन है क्या? हाँ हाँ सर क्योंकि सर पीछे जो हम लोग पढ़े थे ये कार्बन का जो बॉन्ड सब बनाया था उसमें सर हम लोग डॉट लाइन नहीं ना बनाए थे सिर्फ एक्स और डॉट को साथ में लिख दिया था। करेक्ट करेक्ट इसकी जरूरत नहीं है जैसे अभी मैंने डॉटेड डॉटेड बनाया ये डॉटेड डॉटेड आपको थोड़ा सा मतलब समझ में आए कि ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये ओवरलैप हो रहा है ये ओवरलैप हो रहा है इस तरीके से ये सॉलिड लाइन कैसे आया ये आपके समझने के लिए मैंने इस तरीके से बनाया है लेकिन आप जो है ये डॉटेड इसके ऊपर बनाने की जरूरत नहीं है ओके सो आसान है देखिए आपको करना यही है कि जो भी एटम्स है इसमें एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट कीजिए और ये देखिए कि किस तरीके से ये सेट होगा क्योंकि दो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है तो इसीलिए हम इसको चार तरफ में सिंगल सिंगल डालेंगे तो नहीं चलेगा ना क्योंकि एक ऑक्सीजन में जो है एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए नहीं है दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए है ठीक है तो कार्बन का इस तरीके से वो बनाएगा दो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ दो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ बनाएगा चलिए ओके नेक्स्ट सर एक डाउट और था सर इसमें सर 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 जो एटम्स है वो बॉन्ड बनाते हैं स्टेबल होने के लिए तो सर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में सर जब मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो समझ गए सर कार्बन मोनोऑक्साइड में सर चार्ज होता होगा क्योंकि ऑक्सीजन को दो चाहिए और कार्बन को चार हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हो या कार्बन मोनोऑक्साइड हो ओके अब कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना बॉन्ड रहेगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सर वही सर समझना था तो दैट इज नॉट रॉकेट साइंस यू नो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन
एंड ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कार्बन को चार चाहिए, ऑक्सीजन को कितना चाहिए, दो चाहिए। इधर क्या है कि एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो हाउ मेनी बॉन्ड्स यू आर एक्सपेक्टिंग विल बी देयर? वन। इन कार्बन इज इट पॉसिबल टू हैव ओनली वन? नो सर, फोर। Okay, yeah, you try this one, okay? You try this one at by yourself once and then we will see. We have a little bit time. We will just cover the properties and comparison of the electrovalent and covalent compounds. Properties. Okay. Page number 30 mein hai aapka property reason. Electrovalent compound and covalent compound. तो इसमें सबसे पहले है नेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिंग नेचर, डिसोसिएशन, सॉल्युबिलिटी एंड रेट ऑफ रिएक्शन। माइक ऑफ कर दो आयुष टू। नेचर, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिंग नेचर, डिसोसिएशन, सॉल्युबिलिटी एंड रेट ऑफ रिएक्शन। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में नेचर, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन्स, दे आर हार्ड सॉलिड्स कंसिस्टिंग ऑफ आयन्स। एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, दे आर गैसेस और लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स। ओके, सो आयोनिक ये वाला जो कंपेरिजन है इसमें आपको वन मार्क और टू मार्क क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ओके, इसमें बहुत एक्सीलेंट आपका जो है रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन भी बनता है, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन, नॉर्मल डायरेक्ट टू वन मार्क क्वेश्चन एज वेल एज टू मार्क क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आयोनिक एंड कोवालेंट कंपेरिजन, तो सबसे पहले है कि आयोनिक कंपाउंड्स जो है दे आर मेड अप ऑफ आयन्स एंड दे आर हार्ड। जो आयोनिक बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग है कि कोवालेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है? कोवेलेंट। क्यों? उसके बीच में वो हम लोग एक सॉलिड लाइन बना रहे हैं इसीलिए क्या? नो सर। व्हाई यू थिंक लाइक दैट दैट द कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर स्ट्रांग? इनफैक्ट द आयोनिक बॉन्ड हैज मोर एनर्जी सर, क्योंकि कार्बन जैसे नॉन मेटल है चार बॉन्ड बना लेता है और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, इसीलिए सर स्ट्रांग है। देखिए ना वो कोई देखिए शेयर, अब देखिए जैसे पार्टनर होता है ना, कोई भी बिजनेस लोग करता है पार्टनर है तो पार्टनर में मुक्का मुक्की भी हो सकता है, मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन जब आपने पूरा ट्रांसफर कर दिया तो कर दिया, जब आपने पूरा उसको एक्वायर कर लिया तो कर लिया। ठीक है, आयोनिक में तो वही होता है भैया, एक ने पूरा दे दिया एक ने पूरा ले लिया, दोनों अपने अपने जगह पे संतुष्ट हैं। ठीक, और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं चार्ज के कारण, कूलम्ब फोर्स के कारण, करेक्ट। ये जो अट्रैक्शन है दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयन्स विच कैनॉट बी सेपरेटेड ईजिली, दैट इज द रीजन। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में क्या हुआ, दे हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से आप याद रखिए कि कोवेलेंट कंपाउंड में शेयरिंग हो रहा है, और जब दो लोग आपस में शेयर करते हैं, आज तो आपको समझौता है, आज आपके बीच में समझदारी है, लेकिन आगे जाके क्या होगा बाबू, बोलना मुश्किल है। तो इनका जो बॉन्ड है वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि आयोनिक बॉन्ड है, जिसमें कि एक ने पूर्ण तरीके से दे दिया दूसरे ने पूर्ण तरीके से ले लिया, और आपस में अब जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है,
कूलम्ब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इस तरीके से बॉन्ड को दोस्ती लेके चल सकते हैं। हाँ, बॉन्ड को आप दोस्ती लीजिए, लेकिन वो बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। तो कहानी आप कुछ इस तरीके से याद रखेंगे ना, तो आपको याद रहेगा, आसानी से आपको याद रहेगा। आयोनिक वाला ज्यादा स्ट्रांग है, मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं, यही बोलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक और आयोनिक एक ही चीज है ना? एक ही चीज है। ओके, ये भी आपको इसीलिए डाउट आया क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास मिस किया था। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, दीज आर नॉन वॉलेटाइल विथ हाई बॉइलिंग एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। कोवलेंट में दे आर वॉलेटाइल विथ लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड में अट्रैक्शन ज्यादा है, सॉलिड बना रहा है, स्ट्रॉन्ग सॉलिड बना रहा है, तो वॉलेटाइल तो नहीं होगा, और इसी कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी दोनों को, जो आयन्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए। ओके, देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स, सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेज बिटवीन द आयन्स। कोवेलेंट कंपाउंड में दे हैव वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स, दस लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ बॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग नेचर, विदाउट लुकिंग कैन यू गेस आयोनिक एंड कोवेलेंट कौन वाला इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? सर आयोनिक, डेफिनेटली आयोनिक है ना सर, क्योंकि मेटल्स तो है ना सर वहाँ पे, और नॉन मेटल्स के बीच में बात मेटल और नॉन मेटल की भी नहीं है, आयोनिक इज ऑलरेडी हैविंग आयन्स नो, एंड यू नो दैट आयन्स दे आर हैविंग चार्ज, चार्जेस वेर एवर इट इज अ चार्ज्ड वन इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी सर? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नो सर, इलेक्ट्रिसिटी सर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इलेक्ट्रिसिटी। हां सर वही। तो भैया इलेक्ट्रॉन क्या फ्लो करेगा, कोई नदी है क्या जो फ्लो करेगा, पानी है कोई जो फ्लो करेगा? तो होता क्या है कि जो मटेरियल है वायर के अंदर, आपने कॉपर या कुछ भी मेटल दिया हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो एक तरफ। सर इलेक्ट्रॉन्स मेटल में ही ट्रांसफर होता है, मतलब फ्लो होता है ना। क्यों? बिकॉज मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। क्यों बोल रहे हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन में रिच है? भैया रिच तो वही होता है ना जो कि स्पेंड कर पाए, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को स्पेंड करता है कि क्या करता है, या और चाहिए उसको? सर वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो भैया रिच है, दे दिया और दे के स्टेबल हुआ, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, दे विल गिव अवे द इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ऐसा भी बोलते हैं कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन पुअर, उनके पास इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेटल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, इसीलिए जब आप एक वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, वोल्टेज, व्हाट यू से व्हेन यू आर अप्लाइंग ए वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द वायर, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जस्ट लाइक ए डैम, पानी का डैम, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम रहता ना, जो पानी ऊपर में है उसका पोटेंशियल हाई है कि लो है? ज्यादा है, हाइयर पोटेंशियल, सो इट विल मूव फ्रॉम द हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वहां से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, लेकिन बीच में जो माध्यम है, जो मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, तभी एक एटम इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको लेगा, तीसरा छोड़ेगा, लेगा, ऐसे करके फ्लो होगा। चलिए, जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग नेचर जो है वो
the ionic compounds do not conduct electricity in the solid state. Okay, they are good conductors of electricity in the fused or aqueous state. Fused मतलब क्या? Prince microphone बंद कर लो. So fused का क्या मतलब होता है कि आपने पानी में उसको नहीं घोला, सॉल्यूशन नहीं बनाया, आपने उसको पिघला दिया. पिघलाना उसको बोलते हैं फ्यूज्ड स्टेट. ओके, सो वो जो फ्यूज्ड स्टेट है या एक्वस स्टेट है, एक्वस स्टेट का मतलब पानी में उसको डिसॉल्व करना, ऐसे कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द फ्री आयन्स. क्या कोवेलेंट कंपाउंड्स में फ्री आयन्स है? क्यों नहीं है? कोवेलेंट कंपाउंड्स में फ्री आयन्स नॉन मेटल जो है वो तो एटम है, लेकिन जो आपका जो कंपाउंड बना, ठीक है, जैसे कि क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 कोवेलेंट बॉन्ड बना ना, इसमें क्या क्या बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स भैया, जो भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो तो शेयर हो गया दोनों के बीच में, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बचा कहाँ? अगर फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा तो चार्ज बन जाएगा उसके ऊपर, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. दूसरा डिसोसिएशन. इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ आयन्स इन सॉल्यूशन, दीज आयन्स बिकम मोबाइल और इन मोल्टन स्टेट दीज आयन्स डिसोसिएट. ओके, डिसोसिएशन का मतलब तो आपको पता है कि ब्रेक होना, डिसोसिएट ब्रेक होना, एसोसिएशन नहीं. सॉल्यूशन में क्या होगा कि जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये तो क्रिस्टल के फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, लेकिन जब पानी में हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो वो तो डिसॉल्व हो गया पानी में, तो क्या सोडियम और क्लोरीन आयन्स अलग हो गए या आपस में चिपके हुए हैं अभी भी? They get charged and all is fine. But are they still attached to each other, bonded to each other, or they have separated? They are bonded. तो यही बात इसमें बताया गया है. देखिए इसमें equation भी दिया गया है NaCl, और इसमें arrow क्या बना है? What is this arrow meaning? Reversible reaction. रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा, रिवर्स रिएक्शन भी होगा. सोडियम क्लोराइड जो है इट विल डिसोसिएट टू फॉर्म सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स, और ये वापस सोडियम और क्लोराइड आयन्स एसोसिएट होके NaCl बनेगा. दोनों चीज हो रहा है, एसोसिएशन डिसोसिएशन. तो क्या हो रहा है जब हम लोग इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, द आयन्स डिसोसिएट एंड माइग्रेट. ओके, इन एन इलेक्ट्रिकल करंट पासेस थ्रू इट इन द मोल्टन और एक्वस स्टेट. ओके, तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन अगर आप बनाते हैं उसमें करंट पास करते हैं तो ये जो आयन्स हैं वो मूव करेगा ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ. कैट आयन्स विल मूव टुवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड? नेगेटिव पॉजिटिव मत बताओ मेरे को, एनोड कैथोड बताओ. कैथोड. Cations will move towards the cathode. Anions will move towards the anode. Okay, now you tell. Cathode के ऊपर क्या चार्ज है? Negative. Negative charge है. Cations positive charge होते हैं, negative electrode की तरफ attract होगा. चलो, electrovalent compounds are good conductors of heat. Okay. ओके, अब ये जो है ना, आप 4, 5, 6 ये तीनों पॉइंट को आप पढ़िए, कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसको. ओके, सो आई विल सी यू ऑल, एनी डाउट्स यू हैव यू आस्क, एल्स आई विल सी यू सर.
सर जब जब क्लास फाइव में थे ना हम, तो सर ये कॉपर का जो वायर था उसको एक कॉइल में लपेटे थे और एक बैटरी से करंट पास किए थे, तो कोई भी सी एफ एल बल्ब को उसके पास ले जाते थे ना तो वो ग्लो करता था। इनको समझ में नहीं आया ग्लो क्यों करता था। सो देयर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेन यू हैव ए कॉइल्ड वायर एंड यू आर पासिंग द करंट थ्रू इट, what happens inside that around that one, if magnetic field is produced which is called electromagnetic field, electromagnetic induction. तो यही जो हम लोग आजकल वो नहीं यूज करते इंडक्शन कुकर, इंडक्शन खाना वाना बनाने के लिए आजकल आता है ना इंडक्शन, yes, तो उसका क्या प्रिंसिपल है, वही है इंडक्शन के बेसिस पे इंडक्शन। इंडक्शन का बात आ रहा है सर, सीएफएल बल्ब को ले जाते थे ना उसके पास सर, तो सीएफएल बल्ब जल जाता था, ग्लो करता था सर, मजा आता था। हां हां हां, सो ऑफ कोर्स देयर इज दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट इज अ प्ले बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो दैट्स अ डिफरेंट वन। ओके, सो आई विल सी यू ऑल इन टुमारोस क्लास। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।